आपको बताते चले, दिल्ली में निजामुद्दीन की मरकज में शामिल हुए जमातियों की वजह से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। गाजीपुर में अब तक के 5 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिनमें से 3 निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर आए मौलाना और 2 जनपद में स्थानीय लोग हैं जो इनके संपर्क में आए थे। पुलिस ने अब तक सख्ती बरतनी शुरू कर दी और सदर कोतवाली में 22 लोगों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। SP ने बताया कि इन लोगों पर जनपद में संक्रमण को फैलाया है, जिनकी वजह से इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग आए थे जिन्होंने बिना सूचना दिए यहाँ पे रुके और लॉकडाउन का उल्लंघन किया, यहाँ से दिलदार नगर संचरण किया, दिलदार नगर की भी मस्जिदों में गए, जिनकी वजह से काफ़ी जो है इसमें इस रोग के संचरण में गाज़ीपुर में जो हुआ वो इसी वजह से हुआ, जिसमें 5 लोग कोरोना पॉजिटिव आइसोलेशन में हैं और बाकी इनके जो क्लोज कांटेक्ट में हैं उनके परीक्षण कराए जा रहे हैं। अभी तक तो जो परीक्षण हैं वो नेगेटिव आए हैं, लेकिन क्लोज कांटेक्ट और उनके कांटेक्ट सब तरीके से इनको क्वारंटाइन करा करके इनका कराया जा रहा है परीक्षण। और इनका यह कृत्य जो है जो अपराध की श्रेणी में आता था, इसलिए इसमें थाना कोतवाली पे अभियोग पंजीकृत कराया गया है 22 लोगों को।